बिहार में एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर नदी में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। अररिया के सिकटी के पड़रिया में बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से पुल बन रहा था, जो देखते ही देखते बकरा नदी में समा गया। अगर ये पुल बन जाता तो सिकटी और कुर्सा कांटा प्रखंड को जोड़ देता। बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह और विधायक विजय कुमार मंडल ने इस पुल को बनाने के लिए बहुत कोशिश की थी। पहले जब ये पुल बना था तो बाढ़ की वजह से नदी का किनारा दूर चला गया था। इसके बाद 12 करोड़ की लागत से नदी के किनारे तक पुल को बड़ा बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन विभाग के लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ठेकेदार ने सही से काम नहीं किया। इस वजह से मंगलवार को पुल नदी में भर भरा कर गिर गया। बगरा नदी का पुल चला गया, देखिए हवा भी नहीं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया। ओ बाबू भाई, पहली बार देख लो लाइव में, पहली बार हमें ये पुल बकरा नदी और कुर्सा कांटा के बीच डोमरा बांध पर बन रहा था। कुछ दिन पहले ही विधायक विजय कुमार मंडल कार्यपालक अभियंता को अपने साथ लेकर इस पुल को देखने गए थे। तब ये तय हुआ था कि बाढ़ से पहले पुल के दोनों तरफ नदी के किनारों को मजबूत करने का काम किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो किनारों को मजबूत किया गया और ना ही ठेकेदार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। बताया जा रहा है कि ठेकेदार रात में चोरी छुपे पुल का निर्माण करता था। अगर पुल के खंभे सही से बनाए गए होते तो ये नदी में नहीं गिरता। लोगों की मांग है कि ठेकेदार और विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है कि ठेकेदार और कार्यपालक अभियंता के खिलाफ केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं विधायक विजय कुमार मंडल का भी कहना है कि ठेकेदार रात के अंधेरे में पुल का निर्माण और पाइपिंग का काम करता था। अगर पुल की पाइपिंग सही होती तो उसके 3 से 4 पाए बकरा नदी के गर्भ में नहीं समाते। मंडल ने भी विभागीय अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकारी खजाने के 12 करोड़ रुपए के बकरा नदी में बह जाने पर क्या कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अररिया से राकेश की रिपोर्ट।